हेलो गाइस, मैं हूँ वंडर वुल्फ और आज मैं तुम लोगों के लिए लेके आया हूँ एक जॉम्बी गेम एक्सप्लेनेशन, दैट इज डाइंग लाइट 2 स्टे ह्यूमन। तो भाई डाइंग लाइट 1 के स्टोरी के साथ डाइंग लाइट 2 का कोई भी कनेक्शन नहीं है, एक्सेप्ट कि दोनों सेम ही यूनिवर्स के हैं। लेकिन डाइंग लाइट 1 और डाइंग लाइट 2 के बीच में कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं जिसने डाइंग लाइट 2 के वर्ल्ड को शेप किया है। तो मैं उन इवेंट्स के बारे में तुम्हें शॉर्ट में बता दूंगा, उसके बाद मेन स्टोरी को एक्सप्लेन करूंगा। एंड अगर तुम लोग चाहो तो मेन स्टोरी तक स्किप कर सकते हो। एंड अगर तुम्हें ऐसे ही पोस्ट अपोकैलिप्टिक गेम्स के बारे में जानना पसंद है, देन मैंने ऑलरेडी होराइजन फॉरबिडन वेस्ट के ऊपर एक डिटेल्ड स्टोरी एक्सप्लेनेशन वीडियो बना रखा है, जाके देख सकते हो, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। में हमें ये बताया जाता है कि हरान पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, लेकिन इसका कोई एग्जैक्ट रीजन नहीं बताया गया है। वेल, इसके दो पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं। एक कि इन्फेक्शन के बढ़ने के चलते हरान के सारे इंसान ज़ॉम्बी में बदल गए हैं, या फिर दूसरा रीजन जो कि है डाइंग लाइट 1 के डीएलसी से, जहां पर काइल क्रेन हरान के इन्फेक्शन को बाहर की दुनिया में फैलने से रोकने के लिए हरान को एक न्यूक बॉम्ब से ब्लास्ट कर देता है, जिसमें शायद वो खुद भी मर जाता है। अब डाइंग लाइट 1 के बाद हरान के इन्फेक्शन को रोकने के लिए एक वैक्सीन को डेवलप किया गया था, जिससे कि इन्फेक्शन को न्यूट्रलाइज किया जा सकता था। एंड इस वैक्सीन से इन्फेक्शन काफी हद तक कंट्रोल में आ गया था। लेकिन इंसान लालच के मारे कुछ भी कर सकता है। ग्लोबल रिलीफ एफर्ट और GRE, जो कि डाइंग लाइट 1 के वायरस के पीछे का रीजन माना जाता है, एंड जिन्होंने इस वैक्सीन को भी डेवलप किया था, प्रॉमिस करते हैं कि वो GRE लैब्स को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देंगे। लेकिन फिर भी GRE सीक्रेटली अपने लैब्स में हरान वायरस को वेपनाइज करने की कोशिश करते हैं, ताकि उसे मिलिट्री पर्पस के लिए यूज किया जा सके। एंड उसके कुछ टाइम बाद ही लेवल 4 GRE लैब से एक न्यू वायरस निकल जाता है। लेकिन इस बार ये वायरस किसी एक शहर में नहीं, बल्कि पूरे दुनिया में फैलने लगता है। एंड दिसंबर 2021 तक लोगों को समझ में आ जाता है कि ये न्यू वायरस, दैट इज ट्रॉची ट्रांसमिटिव हरान वायरस, या फिर मैं शॉर्ट में कहूँ तो THV वायरस, पिछले वायरस से ज्यादा कंटेजियस है। काफी सारे GI डॉक्टर्स वायरस को रोकने के लिए काफी सारे प्रोटोकॉल्स एंड स्टेप्स लेते हैं, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता। जनवरी 2023 में GRE पब्लिकली ये अनाउंस कर देते हैं कि हालात बिगड़ते जा रहे हैं एंड इस वायरस को अभी और रोका नहीं जा सकता। ऑलमोस्ट 98% ग्लोबल ह्यूमन पॉपुलेशन इस वायरस के चलते पूरी तरह से खत्म हो जाती है। पूरे वर्ल्ड में सिर्फ कुछ ही बचे कुछ सेटलमेंट्स थे जहां पर इंसान रहते थे, एंड वो भी धीरे धीरे कम होते जा रहे थे। जब गवर्नमेंट को पता चला कि मना करने के बावजूद भी GRE एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे एंड उनके वजह से ही ये वायरस फिर से फैला है, तब गवर्नमेंट एक एक करके सारे GRE डॉक्टर्स को फांसी पर लटकाने लगते हैं। अब 2024 में एक GRE डॉक्टर नेम्ड क्रिस विलियम्स एक केमिकल को डेवलप करता है, जिससे कि वायरस को रोका जा सकता था। जनवरी 26, 2025 में उन केमिकल बॉम्ब्स को विलडॉन नाम के एक शहर पर ड्रॉप किया जाता है, मगर हालात को सुधारने के बजाय ये हालात को और भी ज्यादा बिगाड़ देते हैं। उस केमिकल बॉम्बिंग के चलते सारे पेड़ पौधे और जानवर मारे जाते हैं एंड विलेडोर के सिटीजन्स इन्फेक्ट हो जाते हैं, और इसी चीज को ब्लैक मंडे कहा जाता है। केमिकल बॉम्बिंग के बाद क्रिस विलियम्स कुछ एक्स मिलिट्री फोर्सेस के साथ अपनी एक आर्मी बनाता है, जिसका नाम था रेनेगेड्स। लेकिन इन्फेक्शन के चलते ये लोग काफी कमजोर हो गए थे। इसके बाद क्रिस विलियम्स डॉक्टर वाल्ट से मदद मांगता है, जो कि लोगों पर एक्सपेरिमेंट कर उन्हें स्ट्रांग बनाता था, मगर बाद में वाल्ट्स विलियम को धोखा दे देता है एंड कुछ रेनेगेड्स को अपने साइड कर लेता है। अब वायरस ने ह्यूमैनिटी को ऑलमोस्ट एक्सटेंड कर दिया था, सिर्फ कुछ सेटलमेंट्स ही बाकी बचे हुए थे। इन सेटलमेंट्स में कांटेक्ट रखने के लिए पिलग्रिम्स नाम के एक ग्रुप को बनाया गया था। पिलग्रिम्स का काम था एक सेटलमेंट से दूसरे सेटलमेंट में इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट को ट्रांसपोर्ट करना, बट क्योंकि उनके रास्ते में आने वाले हर इंसान और इन्फेक्टेड को वो जान से मार देते थे, इसलिए लोग उनसे डरते थे। नाउ इसके बाद से स्टार्ट होता है डाइंग लाइट 2 स्टे ह्यूमन का मेन कहानी। लेकिन उससे पहले अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कर देना। एंड मैंने देखा है कि यार तुम लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं करते। दोस्तों, मुझे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर तुम्हारा कोई दोस्त भी डाइंग लाइट 2 स्टे ह्यूमन के बारे में जानना चाहता है, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना।
Now let's get back to the main story. Now गेम की शुरुआत होती है Dying Light 1 के 20 साल बाद यानी कि 2036 में, जहां पर हमारे गेम का प्रोटैगनिस्ट एडन कैनवॉल इन्फेक्टेड से बचते हुए एक ब्रिज पे पहुंचता है। वहां पर वो स्पाइक नाम के एक आदमी से मिलता है जो कि एडन की तरह ही एक पिलग्रिम होता है। स्पाइक एडन को एक बड़े से घर में लेके जाता है एंड हम देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे डेड बॉडीज पड़े हुए हैं। एडन का ध्यान वहां पर लगे एक पोस्टर पर जाता है जिससे कि वो समझ जाता है कि यहाँ पर सालों पहले लोगों ने यहाँ पर एक एंड ऑफ द वर्ल्ड पार्टी किया था ताकि मरने से पहले वो लोग एक बार सबके साथ खुश रह सके। अब स्पाइक के पास जाने पर वो एडन को एक बियर देता है एंड कहता है कि उसने एडन के लिए एक बंदे को ट्रैक किया है। स्पाइक बताता है कि वो बंदा अभी विलाडोर में है एंड उसे वार्ड्स के बारे में कुछ पता है। स्पाइक एडन को एक रेडियो स्टेशन में जाने को कहता है जहां पर वो उस आदमी से कांटेक्ट कर सकता है। एडन को रेडियो स्टेशन पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है इसलिए वो सोने को चला जाता है। सपने में उसे बचपन के विजन्स आते हैं जहां पर वो अपने छोटी बहन मिया के साथ एक हॉस्पिटल में था एंड वहां पर और भी कई सारे बच्चे थे एंड यहाँ पर हम एज ऑडियंस देखते हैं कि डॉक्टर वॉल्स एडन के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने लगता है। बाद में एडन के होश आने पर वो देखता है कि हॉस्पिटल में आग लगी हुई रहती है एंड उसे मिया नहीं मिल रही थी। इसके बाद एडन जाग जाता है। सुबह उठकर एडन उस आदमी से कॉन्टेक्ट करता है। एडन उस आदमी को बोलता है कि वो अपनी खोई हुई बहन को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। वो आदमी बताता है कि उसे पता है कि डॉक्टर वॉल्स बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स क्यों कर रहा था एंड क्यों एडन बाकियों से फिजिकली ज्यादा स्ट्रांग है। इसके बाद वो आदमी एडन को एक मेट्रो टनल के पास मिलने के लिए कहता है। टनल के अंदर जाने के बाद एडन के ऊपर एक वॉलेटाइल अटैक कर देता है एंड उसे इन्फेक्ट कर देता है। लेकिन सही टाइम पर वो आदमी जिसका नाम था डिलियन, वो उस वॉलेटाइल के ऊपर यूवी लाइट फेंक देता है एंड वो वॉलेटाइल वहां से भाग जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ज़ॉम्बीज एंड इन्फेक्टेड यूवी लाइट एंड सनलाइट की तरफ बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हैं। वॉलेटाइल के काटने की वजह से एडन बेहोश हो जाता है एंड उसके आंख खुलने पर डिलियन गायब रहता है, मगर एडन को उसके चीखने की आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को फॉलो करते हुए एडन देखता है कि कुछ रेनेगेट्स डिलियन को टॉर्चर कर रहे थे। उन रेनेगेट्स को मारने के बाद डिलियन एडन को एक GRE की देता है। GRE की बेसिकली GRE हॉस्पिटल्स एंड GRE आउटपोस्ट को एक्सेस करने के लिए होता है। डिलियन एडन को बताता है कि इस GRE की को पीस कीपर्स ने ढूंढा है एंड ये GRE की किसी भी हालत में वार्ड्स के हाथ नहीं लगना चाहिए, नहीं तो वो पूरा शहर तबाह कर देगा। डिलियन एडन को बताता है कि उसे ये की लवान नाम के एक औरत को देना है जो कि अभी फिश आई में है एंड तब जाकर उसे सब कुछ पता चलेगा। डिलियन एडन को बचाने के चक्कर में खुद को सैक्रिफाइस कर देता है एंड वॉल्स अपने आदमियों को एडन के पीछे छोड़ देता है। एडन किसी भी तरह बचते हुए ओल्ड विलाडोर में पहुंचता है एंड वहां पर वो एक जॉम्बी में टर्न होने लगता है एंड ये देखकर वहां के लोग उसे फांसी में लटकाने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर हैकॉन नाम का एक आदमी एडन को बचाता है। हैकॉन एडन के बॉडी में एक इनहिबिटर को इंजेक्ट करता है जिससे कि एडन फिर से नॉर्मल हो जाता है। एडन के ये कहने पर कि वो फिश आई में जाना चाहता है, हैकॉन कहता है कि बिना बायो मार्कर के वो कहीं भी नहीं जा सकता, मगर हैकॉन एडन को बायो मार्कर दिलाने में मदद करेगा। हैकॉन एडन को बताता है कि फिश आई में पहुंचने के लिए उसे एक टनल से होकर जाना पड़ेगा, मगर पीस कीपर्स ने अभी पूरे ओल्ड विलाडोर को लॉकडाउन में रखा है एंड कोई भी अभी ओल्ड विलाडोर के अंदर या बाहर नहीं जा सकता एंड ये कहकर दोनों बायो मार्कर ढूंढने चले जाते हैं। नाउ रास्ते में एडन के ये पूछने पर कि हैकॉन एडन की मदद क्यों कर रहा है, हैकॉन बताता है कि सालों पहले एक पिलग्रिम ने उसकी जान बचाई थी एंड इसलिए वो एडन की मदद करना चाहता है। आगे बढ़ने पर एडन देखता है कि कुछ पीस कीपर्स कुछ लोगों को ज़ॉम्बीज से बचा रहे हैं। हैकॉन बताता है कि पीस कीपर्स ओल्ड विलाडोर के लोगों को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, मगर कभी कभी ये लोग पब्लिक के अगेंस्ट स्टेप्स लेते हैं जिससे कि उनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। अभी पीस कीपर एंड बाजार्स के बीच में काफी टेंशन चल रहा है। बायो मार्कर को ढूंढते हुए वो दोनों एक GRE चेस्ट को ओपन करते हैं लेकिन उसमें कोई बायो मार्कर नहीं रहता है। एडन अपने GRE एक्सेस की से चेस्ट से एक इलेक्ट्रॉनिक पार्ट को निकाल लेता है, लेकिन इन सब के चक्कर में रात हो जाती है एंड ज़ॉम्बीज बाहर निकलकर उनका पीछा करने लगते हैं।
बाजार में पहुंचने पर वॉचमैन उनसे बायोमार्कर दिखाने को बोलता है, मगर एडन के पास तो कोई बायोमार्कर है ही नहीं, इसलिए हैकॉन उसे जीआरई इलेक्ट्रॉनिक्स को दिखाकर ललचाता है, लेकिन वॉचमैन उल्टा यूवी लाइट को ही बंद कर देता है एंड एडन और हैकॉन फिर से ज़ॉम्बीज़ से बचकर भागने लगते हैं। वो दोनों हैकॉन के एक दोस्त किलियन के घर में पहुंचते हैं, जो जीआरई इलेक्ट्रॉनिक्स के बदले में उन्हें अंदर आने देता है। रात में एडन को फिर से अपने सपनों में उसे उसकी बहन की आवाज सुनाई देती है। अगले दिन हैकॉन एडन को रेडियो पर बताता है कि उसे बायोमार्कर ढूंढने के लिए सेंट जोसेफ हॉस्पिटल में आना पड़ेगा। अंदर जाने पर उन्हें पता चलता है कि ये हॉस्पिटल एक जीआरई फैसिलिटी हुआ करता था एंड एडन को फिर से अपने बहन के विजन्स आने लगते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि एडन और मिया पहले एक हॉस्पिटल में रहते थे जहां पर उन पे एक्सपेरिमेंट्स किया जाता था। अब उन पे एक्सपेरिमेंट्स क्यों किया जाता था ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। नाउ हॉस्पिटल में ही एक रूम में बहुत ज्यादा THV केमिकल्स गिरे हुए रहते हैं। हैकॉन बताता है कि वायरस फैलने के बाद जीआरई ने केमिकल बॉम्बिंग्स किया था ज़ॉम्बीज़ को मारने के लिए एंड क्योंकि एडन खुद भी थोड़ा इन्फेक्टेड है, उसे उस रूम से जाने में प्रॉब्लम हो रही होती है। रास्ते में एडन हैकॉन से अलग हो जाता है एंड एक वोलेटाइल उसे ऑलमोस्ट पकड़ने वाला होता है, लेकिन एडन छिपकर इनहिबिटर लेकर वापस हैकॉन के पास चला जाता है। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि भाई ये इनहिबिटर क्या चीज है। वेल, इनहिबिटर्स बेसिकली एक टाइप के इंजेक्शंस होते हैं जो हरान वायरस को प्रिवेंट करते हैं। ये बेसिकली डाइंगलेट 1 के एंटीजन एंड THV केमिकल्स का मिक्सचर होता है जो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है, लेकिन अगर इसका ज्यादा इस्तेमाल किया जाए तो इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। हैकॉन से मिलने के बाद हैकॉन एडन को एक बायोमार्कर देता है, लेकिन तभी ज्यादा देर तक अंधेरे में रहने से एडन खुद भी ज़ॉम्बी में बदलने लगता है एंड हैकॉन उसको जल्दी से जल्दी सनलाइट में जाने के लिए बोलता है। एडन के पीछे कुछ वोलेटाइल्स पड़ जाते हैं, मगर धूप में आने के बाद वो वोलेटाइल्स वापस चले जाते हैं। हैकॉन बताता है कि फिश आई तक का रास्ता पीकेज यानी कि पीस कीपर्स ने बंद कर रखा है क्योंकि किसी ने पीके कमांडर लूकस को मार दिया है। मर्डरर अगर भाग ना सके इसलिए पीके ने ओल्ड विलेडोर को बंद कर रखा है। इसके बाद एडन बाजार में जाता है एंड वहां पर उसे दो न्यू कैरेक्टर्स मिलते हैं, अल्बर्टो एंड विंचेंजो। दोनों बाप बेटे होते हैं एंड दोनों ही कमाल के क्राफ्ट मास्टर होते हैं, मगर अल्बर्टो का बोलने का तरीका थोड़ा सा अजीब होता है इसलिए लोग उसका मजाक उड़ाते हैं एंड मेरे हिसाब से ये बहुत ही गलत बात है। एनीवे, बाजार में लोगों को मदद करने के बाद एडन को हैकॉन अपने पास बुलाता है। हैकॉन बताता है कि आज रात ही वो दोनों ओल्ड विलेडोर से बाहर निकलने वाले हैं। हैकॉन पीकेस को बिजी रखेगा, एडन वहां से निकल जाएगा एंड बाद में हैकॉन एडन से ओल्ड विलेडोर के बाहर मिलेगा एंड यही उनका प्लान होता है। सब कुछ बिल्कुल प्लान के मुताबिक चल रहा था, मगर रास्ते में पीकेस एडन को पकड़ लेते हैं। पीके हेडक्वार्टर्स में एडन को एक न्यू कैरेक्टर मिलता है जिसका नाम था एटर, जो कि पीके कमांडर के मरने के बाद अभी न्यू कमांडर बना है। एटर एडन को बताता है कि जब तक उसे लूकस का मर्डरर नहीं मिल जाता वो टनल का रास्ता नहीं खोलेगा। लूकस की बॉडी बाजार में मिली थी तो पीकेस का शक है कि बाजार में से ही किसी ने लूकस को मारा था, लेकिन बाजार वालों के साथ पीके वालों का अलग ही झमेला था इसलिए कोई भी कुछ नहीं कह रहा। एटर एडन से कहता है कि लूकस हमेशा अपने पास लजारियस नाम का एक वेपन रखता था, मगर उसके मर्डर के बाद वो वेपन गायब हो गया है। एटर एडन को लजारियस ढूंढने का काम देता है एंड इसके बदले में एटर एडन की मदद करेगा। अब बहुत ढूंढने के बाद एडन को लजारियस एक बच्ची के पास मिलता है। वो बच्ची कहती है कि उसे ये लजारियस लूकस के डेड बॉडी के पास से मिले थी एंड वो उसे बेचने वाली थी, मतलब कि ऑफ कोर्स उस बच्ची ने लूकस का मर्डर नहीं किया है। उस बच्ची के माँ बाप वायरस के शिकार हो गए थे एंड अभी वो बच्ची अपने छोटे भाई के खाने को खरीदने के लिए ये सब कर रही थी एंड यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि वायरस की वजह से नॉर्मल लोगों को कितना ज्यादा सफर करना पड़ रहा था। एनीवे, उस बच्चे को पैसा देकर लजारियस को लेकर एडन एटर के पास पहुंचता है। एडन जब एटर को टनल खोलने के लिए बोलता है तो एटर कहता है कि जब तक उसे मर्डरर नहीं मिल जाता तब तक वो कुछ भी नहीं कर सकता। एटर कहता है कि अगर एडन मर्डरर को ढूंढने में उसकी मदद करता है तो बढ़िया, नहीं तो उसे वेट करना पड़ेगा। अब थोड़े से झगड़े के बाद एटर देखता है कि लजारियस पे खून लगा है, मतलब कि मरने से पहले लूकस ने अपने मर्डरर को घायल किया होगा एंड एटर ये भी बताता है कि मर्डरर ने लूकस के हाथ से एक पीके टैटू को काट कर लेके गया है।
तो अगर एडन को टैटू मिल जाता है तो उसे मर्डरर भी मिल जाएगा। एडन हेकॉन से मिलता है एंड हेकॉन उसे बताता है कि एडन को जाकर बाजार के लीडर कार्ल एंड उसके सबॉर्डिनेट सोफी से मिलना चाहिए, वो एडन की मदद कर सकते हैं। बाजार में जाकर एडन पहले कार्ल से मिलता है एंड उसके बाद वो सोफी से मिलता है एंड हाँ उसके खतरनाक बॉडीगार्ड से भी। सोफी एडन को कहती है कि उसे अपने लॉयल्टी को प्रूव करने के लिए एक काम करना पड़ेगा जो कि होता है प्योर क्रिस्टल्स को ढूंढ के लाना। एडन अल्बर्टो एंड विंजेंजो से क्रिस्टल्स का लोकेशन पूछता है एंड उसके बाद वो निकल पड़ता है। लोकेशन में पहुंचने पर उसे वहां पर बार्नी मिलता है जो कि सोफी का छोटा भाई होता है एंड वो भी यहां पर क्रिस्टल्स लेने आया होता है ताकि उन क्रिस्टल्स के बदले में वो ट्रेड कर सके। नाउ बाजार में जाने पर एडन देखता है कि कार्ल एंड सोफी किसी बात पर आर्ग्यू कर रहे हैं। एडन के पूछने पर सोफी बताती है कि जैक एंड जो जो कि पहले बाजार में ही रहते थे अभी बाजार को धोखा देकर वाटर सप्लाई को अपने कंट्रोल में ले लिए हैं। अगर सोफी एंड कार्ल जैक एंड जो को प्योर क्रिस्टल्स नहीं देते हैं तो वो लोग पानी का सप्लाई बंद कर देंगे जिससे कि बाजार में सभी लोग मर जाएंगे। नाउ सोफी एडन को प्योर क्रिस्टल्स कॉन्वॉय को गार्ड करने को बोलती है। नाउ रास्ते में एडन को सोफी से खबर मिलता है कि जैक एंड जो ने डील को तोड़कर जबरदस्ती क्रिस्टल्स को लेकर भाग गए हैं एंड इसके साथ साथ वो लोग कार्ल को भी किडनैप कर लिए हैं। सोफी से मिलने पर वो एडन को बताती है कि वो अब जैक एंड जो के हाइडआउट पर अटैक करेंगे एंड पास ही के एक बिल्डिंग से एटर एडन को बुलाता है। वो बताता है कि ऊपर से ऑर्डर आए हैं एंड बाजार में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करना पड़ेगा एंड एटर एडन को वार्न करने के लिए आया था। एनीवे नेक्स्ट डे सोफी जैक एंड जो के हाइड आउट पर अटैक करती है एंड एडन कार्ल को छुड़ा लेता है। कार्ल बताता है कि जैक एंड जो फाइटिंग की आवाज सुनकर भाग गए हैं एंड कार्ल ये भी बताता है कि पीस कीपर्स ने बाजार पर और सोफी के घर पर अटैक किया है एंड इसलिए वो दोनों हाइड आउट पे छिप गए हैं। एडन सोफी के हाइड आउट में जाता है लेकिन वहां पर उसे कोई भी नहीं मिलता। पास में ही पड़े पी के बॉडी के पास रेडियो में एटर कमांड दे रहा था मगर एडन एटर को बताता है कि उसके सारे आदमी मर गए हैं। Your men are dead. Oh, shit. Oh, damn it, Aiden. I was actually starting to like you. You brought the peacekeepers here. I helped you. You betrayed us. And now we have to kill you. Helped Aitor and yourself. Helping us was just a byproduct. What are you waiting for? Don't know what to do? बार्नी के गुंडों को मारने के बाद हरमन सोफी का बॉडीगार्ड एडन पर अटैक करता है एंड एडन उसे भी मार देता है। नाउ सोफी के रूम में जाते बार्नी एडन को शूट करने वाला होता है लेकिन सोफी सही टाइम पर आकर बार्नी को रोक लेती है। सोफी के ये पूछने पर कि एडन ने उन्हें धोखा क्यों दिया तो एडन बताता है कि एडन ने उन्हें धोखा नहीं दिया है बल्कि वो एटर को इन्वेस्टिगेशन में मदद कर रहा है ताकि वो खुद फिश आई तक पहुंच सके। सोफी एडन पर विश्वास करती है एंड कहती है कि जैक एंड जो अभी वाटर सप्लाई टावर पर है एंड उन्हें रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। एडन वाटर टावर में पहुंचता है एंड देखता है कि जैक एंड जो ने पूरे टावर में बॉम्ब लगा रखा है एंड अगर ये बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है तो पूरा पानी बर्बाद हो जाएगा। बॉम्ब को डीएक्टिवेट करने के बाद एडन टावर के ऊपर पहुंचता है एंड देखता है जैक एंड जो आपस में ही झगड़ रहे थे। यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलता है कि या तो हम लोग जैक एंड जो को मार दे या फिर उनसे ये सब करने का कारण पूछे। गेम में ऐसे काफी सारे चॉइसेस आते हैं मगर इन सब का एंड रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। मैंने अपने प्ले थ्रू में बेस्ट पॉसिबल चॉइसेस को ही चूज किया है ताकि तुम लोगों को समझने में इजी हो एंड तुम लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। एनीवे जैक एंड जो ये बताते हैं कि वो लोग इन सब में इन्वॉल्व ही नहीं होने वाले थे अगर बार्नी ने सही डिसीजन लिया होता। जैक एंड जो बताते हैं कि बार्नी को पता था कमांडर लूकस उसके पीछे पड़ा हुआ था एंड उसे अरेस्ट करने वाला था। जैक एंड जो ने उसे कहा था कि एक साथ भाग जाने के लिए लेकिन बार्नी पीके के अगेंस्ट फाइट करना चाहता था इसलिए ही उन्हें ये सब करना पड़ा। एनीवे एडन उनसे प्रॉमिस करता है कि वो उन्हें ओल्ड विलाडोर से बाहर निकालेगा एंड इसके बाद एडन वाटर सप्लाई टावर का कंट्रोल बाजार वालों को दे देता है। हेकॉन से फोन पे बात करने पर हेकॉन बताता है कि क्योंकि लूकस बार्नी के पीछे ही पड़ा हुआ था तो शायद बार्नी ने ही लूकस का मर्डर किया है।
एडन बार्नी और सोफी के हाइड आउट में फिर से जाता है एंड छानबीन करने लगता है एंड एक वुडन बोर्ड के पीछे एडन को लुकस का हाथ का टैटू मिलता है एंड एडन को समझ में आ जाता है कि बार्नी ही असली मर्डरर है। तभी वहां पर बार्नी आ जाता है एंड दोनों लड़ने लगते हैं लेकिन बीच में फिर से सोफी आ जाती है। एडन बार्नी एंड सोफी को ल्यूकस के मर्डर के लिए अक्यूज करता है मगर सोफी साफ इनकार कर देती है। एडन कहता है कि उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि कौन सही है और कौन गलत, उसे पीके और बाजार के बीच में नहीं फंसना है, उसे बस अपने बहन को ढूंढना है। एडन सबूत को लेकर एडर के पास जाने लगता है लेकिन सोफी कहती है कि पीकेस को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि असली मर्डरर कौन है, सबूत मिलने पर पीकेस सभी बाजार वालों को मार देंगे। ये सुनकर एडन थोड़ा शांत हो जाता है। सोफी कहता है कि कोई उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है एंड सोफी ये भी कहती है कि सोफी एडन की मदद करेगी फिश आई तक पहुंचने के लिए, लेकिन कैसे? By getting rid of the biggest problem of this land, the PKs. That seems dangerous. Next time जब एडन बाजार में जाता है तो देखता है कि सोफी कार्ल को पीके पर अटैक करने का प्लान बता रही होती है लेकिन कार्ल साफ मना कर देता है। सोफी बताती है कि अब से वो बाजार की लीडर है एंड अगर कार्ल मदद नहीं करना चाहता तेन वो यहाँ से जा सकता है एंड वो चला भी जाता है। सोफी कहती है कि पीस कीपर्स के पास ज्यादा वेपन्स और ह्यूमन रिसोर्सेज हैं एंड डायरेक्टली उन पे अटैक करना सुसाइडल हो सकता है, इसलिए वो लोग प्लान बनाते हैं कि वो लोग पीस कीपर्स के इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर को बॉम्ब से उड़ा देंगे एंड रात में जब उनके पास यूवी लाइट नहीं रहेगा जिससे कि वो लोग इन्फेक्टेड के डर से वहां से भाग जाएंगे। एंड एडन बिल्कुल वैसा ही करता है, एल्बर्टो एंड विंसेंजो के बनाए गए बॉम्ब्स को एडन विंडमिल में लगा देता है एंड ब्लास्ट से पूरा विंडमिल टूट जाता है। लेकिन दूसरी तरफ कार्ल ने पीकेस को सोफी के प्लान के बारे में बता दिया था जिससे कि पीके अल्बर्टो के घर में घुसकर उसको बहुत टॉर्चर करते हैं एंड अल्बर्टो मरने की हालत में पहुंच जाता है। लेकिन अल्बर्टो फिर भी खुश था कि एट लास्ट जिंदगी में उसने कुछ बड़ा काम किया है। Thanks to Vincenzo, okay? They laugh at him. Laugh because of me. But now that we've done this, they won't laugh anymore. See, his old man's, huh? Not a cook or a failure anymore. Force the peacekeepers to withdraw. Say it was him. Promise me. And ये कहकर अल्बर्टो दम तोड़ देता है। एडन बाजार पहुंचकर सबको थैंक्स कहकर हैकॉन के घर की तरफ बढ़ने लगता है जहां पर हैकॉन उसका इंतजार कर रहा था। हैकॉन के मिलने के बाद जब दोनों निकलने वाले होते हैं तब कोई हैकॉन को शूट कर देता है एंड एडन जब हैकॉन की बॉडी से एरो निकालने जाता है तब हैकॉन के चेस्ट पे एडन को कट मार्क्स दिखते हैं एंड एडन ये देख के समझ जाता है कि ये तो लजारियस के मार्क्स हैं, मतलब कि हैकॉन ने ही लूकस का मर्डर किया था। हैकॉन ये एडमिट करता है कि वाल्स ने ही उसे ये काम दिया था। मैंने कहा था ना कि पीस कीपर्स को ही सबसे पहले जीआरई की मिला था एंड इसीलिए वाल्स ने की को लाने के लिए हैकॉन को भेजा था। एडन हैकॉन को वहीं पर मरने के लिए छोड़ देता है एंड टनल से होकर वो फिश आई की तरफ बढ़ने लगता है लेकिन बीच में ही एटर वहां पर पहुंच जाता है एंड एडन को पकड़ लेता है। अचानक कोई इलेक्ट्रिसिटी को कट ऑफ कर देता है एंड एटर एडन को सब कुछ ठीक करने के लिए भेजता है। इलेक्ट्रिसिटी को फिर से ऑन करके वापस आकर एडन देखता है कि एटन ने वाल्स को पकड़ रखा था एंड उसी ने इलेक्ट्रिसिटी को बंद किया था एंड यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि भाई वाल्स किस खेत की मूली है। Fuck! वाल्स एडन से जीआरई की लेकर चला जाता है लेकिन एडन ज्यादा देर तक अंधेरे में रहने से एक वोलेटाइल में टर्न होने लगता है एंड रास्ते में आने वाले हर चीज को वो मारते हुए वाल्स के हेडक्वार्टर्स की तरफ बढ़ने लगता है। एडन वहां पर पहुंच के देखता है कि वाल्स जीआरई की से किसी एक चीज को स्टार्ट कर रहा है जिसको वाल्स
हिस्ट्री इन मेकिंग कहता है। वाल्स एडन के हाथ को देखकर समझ जाता है कि वो भी कभी उसके एक्सपेरिमेंट का सब्जेक्ट था। वाल्स एडन को चोक करके मारने ही वाला होता है, तभी एडन पूछता है कि मेरी बहन कहाँ है, मिया कहाँ है। ये सुनकर वाल्स एडन को छोड़ देता है। मिया के नाम को सुनकर वाल्स पूछता है कि क्या वो एडन है। इससे पहले कि कोई कुछ भी कह पाता, एक लड़की वाल्स को शूट कर देती है एंड एडन को अपने साथ भागने के लिए कहती है, क्योंकि वाल्स वोलेटाइल में कन्वर्ट हो रहा था। काफी देर तक भागने के बाद वो दोनों एक जगह पे रुकते हैं एंड थोड़ा बातचीत करते हैं। एडन उस लड़की को कहता है कि वो फिशाई में जाना चाहता है। डिलन ने उसको एक जीआरई की किसी एक लवान नाम की लड़की को देने के लिए कहा है एंड सरप्राइजिंगली इसी लड़की का नाम लवान था। वो बताती है कि वो भी पहले वाल्स की एक टेस्ट सब्जेक्ट थी एंड वो अभी वाल्स के साथ साथ कुछ और लोगों को भी मारने का प्लान बना रही है, जिसमें से हेकॉन भी एक है। इसी के बीच में एडन को पुराने विजन्स फिर से आने लगते हैं। लवान एडन को बताती है कि जब जीआरई को पता चला कि वाल्स बच्चों पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तब जीआरई ने उसको निकाल दिया था। अब सबवे में जाते टाइम दोनों देखते हैं कि रेल ट्रैक्स पे इलेक्ट्रिसिटी वापस आ गई है एंड उनको लगता है कि ये काम वाल्स ने किया है। सभी लोग सालों बाद इलेक्ट्रिसिटी के वापस आने पर बहुत खुश होते हैं, मगर किसी को ये पता नहीं था कि वाल्स ऐसा क्यों कर रहा है। एडन फिशाई में जाके लवान से मिलता है एंड लवान एडन को फ्रैंक से मिलाती है, जो कि फिश आई का हेड था। फ्रैंक एक नाइट रनर था। नाइट रनर्स उन लोगों को कहते हैं जो रात में सर्वाइवर्स को ज़ॉम्बीज से बचाकर लाते थे। लोग उन्हें हीरो मानते थे, मगर किसी एक दुर्घटना के चलते सारे नाइट रनर्स खत्म हो गए हैं। फ्रैंक बताता है कि वाल्स के प्लान के बारे में जानने के लिए उसे एक जीआरई डेटाबेस को ढूंढना होगा, जहां पर वो जीआरई की को एक्सेस कर पाएगा। उसके बाद अचानक वहां पर रेनेगेड्स अटैक कर देते हैं। एडन उन सब रेनेगेड्स को मार के फ्रैंक के रूप में वापस आता है एंड वहां पर वो जैक मैट से मिलता है, जो कि न्यू विलेडोर में पीस कीपर्स का चीफ था। यहां पर ध्यान में रखना कि न्यू विलेडोर के पीस कीपर्स को ओल्ड विलेडोर में हुए घटनाओं के बारे में कुछ भी नहीं पता ड्यू टू लैक ऑफ कम्युनिकेशन, इसलिए वो लोग एडन की मदद कर रहे हैं। यहाँ पर जैक मैट बुचर नाम के एक आदमी को मेंशन करता है एंड कहता है कि वही इस रेनेगेड अटैक के पीछे है। दोस्तों, ये बुचर कोई और नहीं बल्कि कर्नल क्रिस विलियम्स ही है, जिसने रेनेगेड को बनाया था। जैक मैट और उसके लोग एडन को बताते हैं कि सारे जीआरई ऑब्जर्वेटरी सालों पहले ही बंद हो गए हैं, लेकिन अगर उन्हें कुछ भी पता चलता है तो वो लोग एडन को जरूर बताएंगे। बाद में जैक मैट एडन को अपने पीके शिप में बुलाता है। वो एडन को बताता है कि अभी भी कुछ जीआरई डॉक्टर्स बचे हुए हैं एंड जैक मैट उनको ढूंढने की कोशिश करेगा। जैक मैट एडन को बताता है कि वो विलेडोर की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग वीएनसी टावर पर रेडियो ट्रांसमीटर को ठीक करना चाहता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी वापस आ गई है। इससे होगा ये कि जैक मैट नए नए लोगों को रिक्रूट भी कर पाएगा एंड एडन को जीआरई डॉक्टर्स को भी ढूंढने में मदद मिलेगी। वहीं पर हम लोग एक ख्वान नाम के कैरेक्टर से मिलते हैं, जो हमें बताता है कि जैक मैट सही आदमी नहीं है। अब जैक मैट क्यों एक अच्छा आदमी नहीं है, ये एक्सप्लेन करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। बस ये जान लो कि जैक मैट कर्नल विलियम्स से बहुत ज़्यादा नफरत करता है। जैक मैट नहीं, फिशाई पर अपने आदमियों को रेनेगेड्स की तरह डिस्गाइज करवा के अटैक करवाया था, ताकि इन सब का इंजाम बुचर यानी कि क्रिस विलियम्स पर लगे। एंड जैक मैट यूवी लैंप्स को भी चोरी कर रहा था, दैट मीन्स ही इज प्लानिंग फॉर समथिंग। लेकिन एडन जैक के साइड में ही रहता है, क्योंकि वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहता। ख्वान हमें ये बताता है कि वीएनसी टावर का जो मिशन है वो एक सुइसाइडल मिशन है। सालों पहले नाइट रनर्स ने भी रेडियो को ठीक करने की कोशिश की थी, मगर सारे वोलेटाइल्स के हाथों मारे गए थे, इसलिए आज एक भी नाइट रनर जिंदा नहीं है। मिशन के दिन एडन कुछ पीस कीपर्स के साथ वीएनसी टावर पर जाता है, लेकिन टावर में घुसते ही इन्फेक्टेड उन पर अटैक कर देते हैं एंड कैप्टन रो एडन को बचाते हुए खुद घायल हो जाते हैं। एडन कैप्टन रो से ट्रांसमीटर लेता है एंड टावर पर चढ़ने लगता है। फ्रैंक और लवान एडन को बहुत बार ये मिशन को कंप्लीट करने के लिए मना करते हैं, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, लेकिन एडन बिल्कुल नहीं रुकता, वो बस अपनी बहन को बचाना चाहता है। टावर पर चढ़ने के बाद एडन रेडियो ट्रांसमीटर को फिट कर देता है एंड पीस कीपर्स को दे देता है, जिससे कि पीस कीपर्स का पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है एंड नए नए लोग पीस कीपर्स को ज्वाइन करने लगते हैं। इसके बाद लवान टावर पे आती है एंड दोनों मिलकर लवान के पुराने घर में जाते हैं एंड वहां पर हमें एक शॉकिंग चीज पता चलता है। Wait. What? Hakon. Oh, you bastard.
Love alters not with his brief hours and weeks, but bears it out, even to the edge of doom. तुम लोगों ने बिल्कुल सही समझा, लड़की का चक्कर है बाबू भैया, लड़की का चक्कर है। हमें पता चलता है कि हैकॉन भी पहले एक नाइट रनर था, मगर उस रात को हैकॉन ने सबको धोखा दे दिया था एंड इसीलिए सारे नाइट रनर्स मारे गए थे। नाउ जैक मैट से मिलने पर उसका एक आदमी हमें बताता है कि एक जीआरई डॉक्टर अभी भी बाजार में है। एडन बाजार में जाकर उस डॉक्टर से मिलता है जिसका नाम था वेरोनिका रायन। दोनों मिलकर एक सीक्रेट जीआरई ऑब्जर्वेटरी में जाते हैं जो कि अभी भी एक्टिव था। ऑब्जर्वेटरी के अंदर वेरोनिका हमें बताती है कि वार्स बच्चों पर क्यों एक्सपेरिमेंट कर रहा था। बेसिकली अनलाइक डाइंग लाइट 1 वायरस, बच्चों को ये वायरस इन्फेक्ट नहीं करता एंड क्योर ढूंढने के लिए उन पे एक्सपेरिमेंट्स करना जरूरी था। इसके बाद जीआरई की के मदद से वो दोनों डेटाबेस से एक्सपेरिमेंटेड बच्चों के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढने लगते हैं, बट उन्हें मिया के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं मिलता है। हाउएवर वहाँ उन्हें X-30 नाम के एक फैसिलिटी के बारे में पता चलता है एंड शायद वाल्स भी वहाँ पर हो सकता है। वेरोनिका बताती है कि एक प्रोसीड्योर को फिर से चालू किया गया है। ये प्रोसीड्योर 11 सालों पहले इनिशिएट किया गया था लेकिन बाद में फिर से बंद कर दिया गया था। लेकिन फिर से 10 दिन पहले X-13 फैसिलिटी में किसी ने इस प्रोसीड्योर को फिर से चालू किया है। वेरोनिका ये भी बताती है कि ये एक फेल सेफ मिसाइल स्ट्राइक एक्शन है जो वायरस को रोकने के लिए है, जिसका टारगेट विलाडोर पे है। मैंने पहले केमिकल बॉम्बिंग्स के बारे तुम लोगों को बताया था, ये वही है एंड वाल्स ने 10 दिन पहले इसी चीज को फिर से चालू किया है। ऑब्जर्वेटरी के बाहर निकलते वहां पर वाल्स आ जाता है एंड एडन उससे लड़ने लगता है। फाइट के बीच में ही एडन फिर से वोलेटाइल में कन्वर्ट होने लगता है एंड कंट्रोल खो बैठता है एंड गलती से एडन वेरोनिका को ही मार देता है। वाल्स वेरोनिका के बॉडी से जीआरई की ले लेता है एंड भाग जाता है। मिसाइल स्ट्राइक्स होने लगती हैं एंड एडन बेहोश हो जाता है। लवान आकर एडन को बचाती है एंड बताती है कि फिश आई के ऊपर भी एक मिसाइल गिरा है एंड फिश आई पर पहुंचकर एडन देखता है कि फ्रैंक द लास्ट सर्वाइविंग नाइट रनर वो भी मर गया है। फ्रैंक के डेथ से लवान पूरी तरह से पागल हो जाती है एंड उसे लगता है कि वाल्स नहीं बल्कि बुचर यानी क्रिस विलियम्स ने ही इस मिसाइल्स को लॉन्च किया है। लवान बुचर को मारने निकल जाती है एंड एडन भी उसका पीछा करता है। लवान विलियम्स यानी बुचर को मारने ही वाली होती है मगर एडन उसे रोक लेता है। कर्नल क्रिस विलियम्स बताता है कि वाल्स ने उसे बहुत सालों पहले ही धोखा दे दिया है एंड अभी वो उसके साथ काम नहीं करता। इसके बाद लवान एंड एडन वाल्स को ढूंढने X-13 में पहुंचते हैं एंड हैकॉन भी उन्हें ज्वाइन कर लेता है। अब तुम लोग कन्फ्यूज हो रहे होगे कि भाई ये हैकॉन कहाँ से आ गया। बेसिकली हैकॉन लवान को वाल्स से बचाने के लिए ही वाल्स को ज्वाइन करता है ताकि वो वाल्स के ऊपर स्पाई कर सके। एडन को फिर से विजन्स आते हैं लेकिन इस बार वाल्स छोटे एडन से अच्छी तरह से बात कर रहा था एंड एडन को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि उसके दिमाग में आखिर हो क्या रहा है। X-13 के अंदर आने के बाद एडन समझ जाता है कि ये तो भाई वही जगह है जहां पर बचपन में वो मिया के साथ रहता था। नाउ अंदर जाने के बाद एडन को वहां पर वाल्स मिलता है एंड यहां पर गेम का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। Will you cure her? I'm doing what I can, but she's weak, much weaker than the other children. That's why she caught the virus. But you can save her, Aiden. Unless, you see, people want to stop my research. They can't see how close we are to finding a cure. Whatever happens, we must. Whatever happens, we must stick together. No. You didn't promise her. You promised me. No. You tortured us! You were hurting me! And Mia! No, Aiden. I would never hurt my own child. Mia is my daughter. Haan, Aiden ko yaad aata hai ki Mia uski asli behan nahi, balki Wals ki beti hai, jisko Aiden apni behan maanta tha. Wals GRD ki ke madad se Mia ko bachana chahta hai, jo ki virus ke against mein bahut weak ho chuki hai. Lekin without GRD ki, baki sare missiles bhi launch ho jayenge and bahut sare log mar jayenge.
एडिन जियारी की के लिए वाल्ट से लड़ने लगता है एंड उसे ऑलमोस्ट जान से मारने वाला होता है कि तभी वहां पर मिया आ जाती है। मिया, is that you? एडिन, what happened to you? मिया, the key. Without it, the city will be destroyed. मिया एडिन को जियारी की देने वाले होती है लेकिन वाल्स उसे केमिकल में फेंक देता है। मुझे पता है कि वाल्स को विलन दिखाया जा रहा है लेकिन वो बस अपनी बेटी को बचाने की कोशिश कर रहा है। एनीवे, फाइनल मिसाइल्स को अभी और रोका नहीं जा सकता अंटिनल अनलेस उसे मैनुअली X-13 के अंदर ब्लास्ट कर दिया जाए एंड इस डेंजरस काम को करने के लिए लवान सामने आती है। लवान विलेडोर को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद एडन मिया को लेकर बाहर निकल जाता है एंड पूरा X-13 ब्लास्ट हो जाता है एंड उसके साथ साथ लवान भी। कुछ दिनों बाद हालात सुधरने लगती हैं एंड पीस कीपर्स का न्यू हेड खुआन बनता है बिकॉज मैंने जैक मैट को ट्रस्ट ना करके खुआन को ट्रस्ट किया था। नेक्स्ट दिखाया जाता है फिश आई को जहां पर एक स्ट्रेंजर आता है एंड हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि स्पाइक है जिसको हमने गेम के स्टार्टिंग में देखा था। स्पाइक बारटेंडर से पूछता है कि उसका कोई पिलग्रिम दोस्त यहां पर आया है कि नहीं तो वो बारटेंडर बताता है कि But not anymore. Where'd he go? Wherever the road took him. Same as the rest of you. Did he find what he was looking for here? From what I've heard, yeah. His sister. But they said she was so weak, she lived only for a couple more hours. He stayed with her, buried her under an old oak tree. Then he turned toward the horizon and kept on walking. Poor guy. If it wasn't for him, there wouldn't be a single brick still standing in this city. So why didn't he stay? They said he was starting to change, taking a drug that was destroying him. People like him are better off on the road. एंड इसी के साथ डाइंग लाइट 2 स्टे ह्यूमन की कहानी खत्म हो जाती है लेकिन इससे हमें एक बहुत ही बड़ा सीख ये मिलता है कि ये अर्थ हमारा है एंड हमें ही इसे प्रोटेक्ट करना है एंड अगर हम लोग इसे प्रोटेक्ट नहीं करते हैं तो डाइंग लाइट 3 को रियलिटी में एक्सपीरियंस करने से हम सिर्फ कुछ ही साल दूर हैं और अगर ऐसा हो जाता है तो खाने के लिए खाना और पीने के लिए पानी नहीं रहेगा एंड बच्चे अपने माँ बाप से अलग हो जाएंगे एंड ऐसे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़ेगा एंड इसीलिए मैं कह रहा हूँ प्लीज़ प्रोटेक्ट दिस अर्थ, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट एनीवे, अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।